Hello, good morning students, how are you? I hope all are fit and fine. So student, today we are going to learn subject English grammar and all are take out your book and open page number 40. So student, today we are learn articles. Articles means identify. हम जो कोई भी things, animal, place, whatever, कुछ भी अगर हमें use करना है तो उसके पहले हम article लगाते हैं. जैसे कोई गर्ल है और उसको कुछ उसको बोला तो हम उसको नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन अगर उसको हम अच्छी तरह से बुलाना चाहते हैं तो उसके पीछे हम आर्टिकल भी लगाते हैं या कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके. जैसे हम गर्ल हो तो उसको बुलाते हैं ए वॉट एवर नेम कि कुछ भी नेम से, तो उसके पीछे हम बैन लगाते हैं, भाई लगाते हैं. वैसे उसको हम बुलाते हैं मान सम्मान से, वैसे ही हम किसी भी चीज़ को बुलाने के लिए उसके आगे आर्टिकल लगाते हैं ए एंड द. और वो क्यों होता है, वो आइडेंटिफाई करता है. सो देर आर 26 लेटर्स है ना इन आवर अल्फ़ाबेट्स है ना, एंड ऑल आर टॉट दे कि सब आपने पढ़ चुके हैं. तो 26 ए बी सी डी मार ए से लेके जेड तक हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स है और उसमें हमारे 5 वॉवेल्स है और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स है. सो टुडे वी लर्न कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल एंड व्हाट इज यूज द आर्टिकल्स ए एंड दोस्तों. फर्स्ट इज अ लेसन नंबर 10 अ एंड एंड द अ ए एन एंड टी एच ई द. सो फर्स्ट अ ए एंड A and E and T H E the A R E R C A double C A double L E D called A R T I C L E S articles. A and the are called articles. A and the are called articles. ये तीन क्या है, articles है. उसको क्या कहते हैं, A and the को हम called articles कहते हैं. वो जो identifies words. So a I S is U S E D used W I T H with C O N S O N A N T S consonants S O U N D S sounds. A is used with consonants sounds. Consonant sounds means हमारे A से लेके Z तक है ना, A to Z में जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उसमें से हम उसको क्या कहेंगे, consonants. But हमारा वॉवेल से ए ई आई ओ यू है ना, तो ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 ए ई आई ओ यू हमारे क्या है, तो वॉवेल्स है. तो ए से में से ए टू जेड में से सिर्फ हमारे पास कट कर देंगे ले तो हमारे पास कितने बचे, तो 21 हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21. तो उन कॉन्सोनेंट्स के साउंड साउंड मीन्स उसके जो स्वर होते हैं, आवाज़ निकलती है साउंड. अभी मैं स्पीक कर रही तो साउंड साउंड आवाज़ बाहर आ रही है ना, वैसे साउंड्स जो होते हैं ना उसके आगे हम क्या लगाते हैं, तो अ एम एन जी ओ मैंगो, तो अ मैंगो अ साउंड मैंगो मैंगो मीन्स आम, तो उसके आगे अ क्या आएगा, कॉन्सोनेंट्स अ एन A B A N A N A A banana, तो B is a consonants है ना, तो B के आगे क्या आएगा A, तो A to Z में ये 5 कम करके जो भी स्पेलिंग बनता है तो उसके आगे हम A लगाते हैं. A is a identify articles है ना, A C O W cow है ना, तो C is a consonants, M is a consonants, A T I G E R G E R टाइगर अ टाइगर, तो टी इज अ कॉन्सोनेंट, तो टी के आगे हम ए लगे. तो ऑलवेज रिमेंबर कि ए टू जेड में 5 वॉवेल्स को कट करके जितने भी कॉन्सोनेंट्स हमारे पास है उसमें अगर स्पेलिंग आता है तो उसके आगे हम अ ये क्या है अ ये वाला कॉन्सोनेंट्स हम राइट करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए. एंड सेकंड एन ए एन एन I is U S E used W I T S with V O W E L E vowels है ना. N is used with vowels है ना, vowels vowels को हमें use करना है ना, तो how many vowels, तो 21 is consonants and 5 is vowels है ना, हमारे पास कितनी vowels है, 5 vowels है. तो A E I O U, तो A E I
ओ यू कि जितने भी ए से स्टार्ट होते, ई से स्टार्ट होते, आई से स्टार्ट होते, ओ से स्टार्ट होते और यू से, उन सब के आगे हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे? नो, हम उसके आगे क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल। तो ए एन, एन ए डबल पी एल ई, एप्पल, है ना। तो एन एप्पल, वाई वाई आर यू यूज एन एप्पल, तो आ इज अ वॉवेल्स, एन आ इज अ वॉवेल, तो एन एप्पल। एन ए एन ओ आर ए एन जी, ऑरेंज, तो ओ इज अ वॉवेल्स, तो ओ, ओ है यहाँ पे ऑरेंज के आगे, साउंड हमारा ऑरेंज, ओ ओ होता है, ओ ऑरेंज, तो ओ, इसलिए एन, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। एन ऑक्स, ऑक्स, तो ओ आता है, तो ओ है यहाँ पे, वो भी वॉवेल्स है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा? एन, एन ए एन, एन ई एल ई पी एच एन टी, एलिफेंट, अ एलिफेंट, है ना। तो ई है, इसके लिए क्या है यहाँ पे? इज अ वॉवेल्स, सो यहाँ पे इज अ वॉवेल्स, तो ई के आगे हमने क्या लगाया? एन। सो एप्पल, ऑरेंज, ऑक्स एंड एलिफेंट, ये दो ज़्यादा वॉवेल्स, ये सारे क्या है? वॉवेल्स है ना। तो एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑक्स एंड एलिफेंट। सो ऑलवेज यू आर ऑलवेज रिमेंबर योर माइंड, याद रखना हमेशा के लिए कि वॉवेल्स के आगे हम हमेशा एन लगाते हैं, एंड ओनली फाइव वॉवेल्स, यू आर कीपिंग योर माइंड ओनली फाइव वॉवेल्स, हमारे पास कितनी है? ओनली फाइव वॉवेल्स, तो फाइव ए ई आई ओ यू, तो ये फाइव वॉवेल्स की जितनी भी स्पेलिंग बनते हैं उसके आगे हम आर्टिकल्स एन का यूज़ करते हैं। वी ऑल आर, वी ऑलवेज यूज एन आर्टिकल्स, है ना। एंड थर्ड इज द, टी एच ई द, आई एस इज यू एस ई डी यूज, द डब्ल्यू आई टी एस वी, टी एच आई एन जी एस थिंग्स, टी एच ए दैट, ए आर ई आर, ओ एन एल वाई ओनली, ओ एन ई वन, ओ एफ ऑफ, टी एच ई, टी एच ई आई आर, देर, के आई एन डी, काइंड। द इज यूज विथ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, ओनली वन ऑफ देयर काइंड। द, टी एच ई द, द इज अ आर्टिकल, दी, द, है ना, हम कभी द बोलते हैं, कभी दू, दी, दी, तो क्यों? क्योंकि वो जैसे हमारे पास स्पेलिंग होगा या कुछ भी होगा तो उसके आगे हम द, टी एच ई द का यूज़ करते हैं। तो द इज यूज विथ थिंग्स, द हम जिस चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, थिंग्स जिस चीज़ का, देट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, देर आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, वो चीज़ जो एक ही होती है उसके लिए हम ये चीज़ हमेशा यूज़ करते हैं। टी एच ई द, एस यू एन सन, द सन, सो यू यू टेल मी के सन इज ओनली वन, है ना, सन इज ओनली वन, सन एक ही है, सन दो है? नो, तो ओनली सन इज अ वन काइंड ऑफ पर्सन, है ना, ये क्या है? ओनली वन काइंड ऑफ है, ये ओनली एक ही है, तो इसलिए सन के आगे क्या लगाया हमने? द। फिर टी एच ई द, एम डबल ओ एन, मून, द मून, तो मून, ओनली वन मून इन द स्काई, स्काई में क्या है? ओनली वन मून है, इसलिए हमने मून के आगे क्या लगाया? द मून। एंड स्टार, एस टी ए आर, स्टार, तो स्टार भी ओनली क्या है? स्काई में ही है ना, वो हमारे लैंड पे दिखते हैं हमें? नो, नहीं दिखते, ओनली स्काई में दिखते हैं, तो स्टार इज ओनली वन, तो स्टार के आगे हमने क्या लगाया? द, तो द स्टार। एंड टी एच ई द, ई ए आर टी एस, अर्थ, ओनली अर्थ एक ही है हमारी, पृथ्वी हमारी एक ही है, पृथ्वी जैसी और कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे उपग्रह है लेकिन अर्थ हमारा एक ही है, तो टी एच ई द, ई ए आर टी एस, अर्थ, तो द अर्थ। तो ऑलवेज रिमेंबर ओनली वन काइंड ऑफ प्लेस थिंग्स, सो यू यूज इन आर्टिकल द सन, द मून, द स्टार एंड द अर्थ। सो आई होप यू अंडरस्टूड ए एंड द आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, वी यूज ए एंड द आर्टिकल्स। सो आई हैव राइट सम एक्सरसाइज एंड फिल अप, यूज ए एंड द। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू एस सी यूज अ और
or o r or a n and b e f o r e before t h e the w o r d s words g I v n d 1 b e l o w below. Use a or an before the words given below. Use है ना, हमें use करना है a and the before the words, these words है ना, these words before which alphabets we write here है ना. So we use a or an. So first is b. B means है ना, look at this picture and give have some pictures in this book. So first of all, first picture is honeybee, sparrow, orange, papaya, pen, ox, aeroplane, watch, car, eagle, elephant and camel. So we write proper articles in these blanks, okay na. So first is b. So b is a vowels or consonants. So b is a consonants. So and second sparrow. So sparrow is a also use a sparrow. So sparrow kya aage kya aayega, an orange. Why an use we use this orange. So orange is a vowels. So an orange and o is a silent. O r a n g e orange. S p a r o w sparrow. O r a n g e orange. An orange and papaya. P-A-P-A-Y-A papaya. So here write a and a P-E-N pen. So here a pen and X है ना, and X. So E is a vowels या consonants. So a है ना, तो a is a vowels. A and X and X. And A E R O P L A N E also aeroplane is a vowel. So write here N. Watch, watch W T C H watch, watch mein dekhna. So A is a consonants, a watching TV. And A is a car, C A R car. So A ए है ना, हम क्या कहेंगे ए आ. एंड ईगल, ई ए जी एल ई ईगल. ईगल्स मीन्स है ना, बर्ड्स होता है ना, तो एन ईगल. वाई सो इज अ वॉवेल्स. एंड एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी. सो आई राइट हियर एन, ई एल ई एन पी एच ए एन टी एलिफेंट. एंड कैमल, तो कैमल इज यूज. एंड नो कैम, सी इज अ consonants. So C A M E L camel. So yeah, right here A. So students, a bee, a sparrow, an orange, a papaya, a pen, an axe, an aeroplane, a watch, a car, and people, an elephant and camel. And those are words है ना, but some words is a vowels and some word is a consonant, and some word we use a and some words we use an. So a bee, a sparrow, a papaya, a pen, a watch, a car and a camel. जो ये सारे words है आज जिसमें हमने लगाए वो सारे consonants है. और an orange, an axe, an aeroplane, an eagle, an elephant and those are a vowels. So students, वो हमें याद रखना है जब भी हम write करते हैं words के आगे, तो articles में हमें याद रखना है a, an और the में क्या आएगा. So a और an में हमें vowels और consonants याद रखने हैं, और वो articles a या an आएंगे वो भी हम याद कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि वॉवेल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स. तो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स है और 5 क्या है, वॉवेल्स हैं. सो ऑलवेज बी रिमेंबर 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स. सो यू आर इजीली फिल अप एंड यू डू राइट हियर ए एंड द आर्टिकल. एंड
R E A D D T H D F O double L I F O double L O W I N G following S E N T E N C E S sentence C A R E F U double L Y carefully A N D and F I double L feel I N in T H D B L N T E blanks W I T S with a O or A N N. So read the following sentence carefully and fill in the blanks with A, A or N. Okay. So read the following sentence. Read this following sentence. Here some sentence I have write here. Okay. So carefully read. हम carefully read करेंगे and filling the blanks. Filling the this blanks. With A or N, जिसके आगे A और N आएगा वो हम क्या राइट करेंगे. I S A W show M A N Y many P O P E O P L E people S T A N D I N G standing N E A N near blank B U S bus S T O P stop blank O L E old A U N T Y auntie W A N T E D wanted T O 2 G A T get I N into in blank C A R car S H E C W A S was V E R Y very V E A K with S O S O C S H E C W S was H E L P E D helped B A Y by blank man. So this is a some sentence right here and we use A and N article right here. So I saw many people standing near blank bus stop. An old auntie wanted to get into blank car. She was very weak, so she was helped by blank man. Okay, so there are 1, 2, 3, and 4 blank we fill in. Okay, so I saw many people standing near bus. So ba is a consonant, so right here a. तो आई सो मैनी पीपल स्टैंडिंग नियर अ बस स्टॉप. बहुत सारे लोगों को हमने बस स्टॉप पे खड़ा देखा. एन ओ है क्या है वॉवल्स है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एन. एंड ओल्ड आंटी वॉन्टेड ओके एंड टू गेट इनटू जो एक ओल्ड आंटी थी एजेड आंटी मीन्स जो हम अंकल आंटी कहते हैं ना वैसे आंटी चाची मीन्स वो खड़ी थी टू गेट उनको क्या चाहिए था इनटू अ ये कॉन्सोनेंट से तो कार कार से. सी वॉज वेरी वीक वो कैसी थी बीमार थी है ना वो बहुत ही बीमार थी. सो सी वॉज हेल्प्ड बाय अ मैन तो उनको किसने मदद की जो एक मैन थी ना उन्होंने आके उनको मदद की. तो दिस इज अ सम सेंटेंस एंड वी यूज ए एन ए ए ओके. सो दिस पैराग्राफ वी यूज ए एन अ एन आर्टिकल. And second is S O H N Sohan I S is K I N D kind H E R H E A R T E D hearted B O Y boy he H E he M E T meet blank B E G A double B E G B E double G A R beggar H I S his M O T H E R mother G A V E gave H I M him blank T E N T N R U P double E to P N O T not. Okay. So H E he S P E N T spend R E to P 5 O N on B U Y I N G buying blank E double E G egg B A N A N A banana A N D N blank I N K P O T ink pot H E H A D head G I V N given blank T O 2 R U P double E rupee C O I N coin 2 T H E the B E double G A R E beggar A N D N S P E N D spend T H R double E 3 R U P double E S rupees O N on B U Y I N G buying blank B E A U T I F U N beautiful P E N pen. So students, those are
some sentence right here. I have right here. And we use an a and the article and fill this sentence. Okay, वो हमें a and the article write करके ये पूरा जो सेंटेंस है वो हमें कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट इज अ सोहन इज अ एंड के इज अ है ना. सोहन इज अ काइंड हार्टेड बॉय. सोहन कैसा था? एक दयालु हृदय का लड़का था. हार्टेड बॉय बहुत दयालु एक लड़का था. ही मीट अ है ना अ बेगर है ना. ही मीट अ बेगर वो किसको मिला था है ना. ही मीट अ बेगर उसको एक भिखारी मिला है ना. मीट ही मेट अ बेगर. ही मेट अ बेगर वो भिखारी को. ही मेट अ बेगर उसको भिखारी मिला. हिज मदर गेव हिम अ है ना. हिज मदर गेव हिम अ उसकी माँ ने उसको क्या दिया था. हिम अ 10 rupees. हाउ मैनी रुपीज गेव हर. 10 rupees नॉट. He spent rupees 5 on buying and. Okay, why are you right here? So, E is a vowel. So, I write here and. So, he spent rupees 5 on buying an egg. उसने 5 रुपये खर्च किए क्या एग को जो अंडे होते हैं ना उसमें खरीदने के लिए उसने क्या किए 5 रुपये खर्च किए. अ और उसने और क्या लिया. अ बनाना एंड द इंक पॉट. और क्या लिया. बनाना और इन इंक पॉट. तो आई इज अ वन एंड इंक पॉट है ना. यहाँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा एन आएगा. और He had given a 2 rupees coin to the beggar. उसने क्या किया. He had given 2 rupees coin to the beggar. उसने 2 रुपये भिखारी को दे दिए थे है ना. And spent 3 rupees on buying. And spent 3 rupees. जो 3 rupees उसके पास बसे ना उसमें से उसने क्या किया. Buying a beautiful pen. Buying a beautiful पेन. तो सोहन के पास 10 रुपीज थे उसमें से उसने जो भी खरीदा वो उसने 5 रुपीज़ का एक फिर बनाना एंड इंक पॉट एंड लास्ट में ब्यूटीफुल पेन उसने खरीदा. बस दिस पैराग्राफ इज अ यूज इन अ अ अ अ एन 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 अ आर्टिकल. सो स्टूडेंट्स वी ऑलवेज रिमेंबर ए एन. हमें जब भी यूज़ करना है तब हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स ए एन द अब तीनों आर्टिकल हम यूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करेंगे. एल डबल ओके लुक ए टी एट टी एच ई द पी आई सी टी यू आर ई पिक्चर ए एल ई एंड एफ आई डबल एल फील आई एन इन टी एच ई द बी एल ए एन के ब्लैंक्स डब्ल्यू आई टी एच विथ ए अ एंड द अ एंड द. ओके लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द ए एंड द. ओके हमें क्या करना है कि ये पिक्चर देख के है ना. लुक एट द पिक्चर ये वाला पिक्चर हमें देख के ये सब हमें फिलअप करना है फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके तो दिस पिक्चर इज अ टू बॉय एंड टू गर्ल्स एंड वी ऑल आर टुगेदर इन एक्टिविटी है ना. इन सम एक्टिविटीज सो वी फिलअप इन यूज ए एंड द आर्टिकल एंड कंप्लीट दिस 5 फिलिंग्स द ब्लैंक्स. T O D today I S is blank D R A W I N G drawing C O M P E T I T I T I O N competition. Today is blank drawing competition. Today is आज क्या है drawing का competition. So
तो डी है यहाँ पे, सो हम क्या राइट करेंगे, आ। एंड सेकेंड ए एल ओ के आलोक आई एस ई सी ए डबल आर सी ए डबल आर वाई आई एन जी केयरिंग ब्लैंक सी एच ए टी चैट। आलोक जो है पर्पल कलर का, उसने क्या चैट उठाया है, आलोक इज केयरिंग अ चैट। एंड थर्ड इज मोहन एम ओ एच एन मोहन आई एस इज ब्लैंक एम ओ एस टी मोस्ट आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी इंटेलिजेंट बी ओ वाई बॉय आई एन इन टी एच ई द जी आर ओ यू पी ग्रुप। मोहन इज ब्लैंक द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द ग्रुप। मोहन एक ऐसा अकेला जो बॉय है जो ग्रुप में, ग्रुप मीन्स 3, 4, 5, 6, 10 वन मोर पर्सन को जो मिला के होता है उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो आलोक एक ऐसा है जो पूरे ग्रुप में इंटेलिजेंट यानी होशियार है। तो होशियार है इसलिए क्यों, वन ओनली वन, पूरे ग्रुप में से सब नहीं, ओनली वन ही जो है जो आलोक, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, द। जो ओनली वन पर्सन है ना, सो ओनली याद रखना वन काइंड ऑफ पर्सन है वो, सो इसलिए यहाँ पे द आएगा। तो मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द ग्रुप, ग्रुप में मोहन एक ही ऐसा है जो इंटेलिजेंट है। एंड फोर्थ टी ए आर यू एन तरुण आई एस इज एच ओ एल डी आई एन जी होल्डिंग ब्लैंक बी ओ एक्स बॉक्स ओ एफ ऑफ सी ओ एल ओ यू आर एस कलर्स। तरुण इज होल्डिंग अ, क्या के रखा के पकड़ के रखा है उसने, होल्ड किया है ऐसे पकड़ के, बॉक्स ऑफ कलर है ना, उसके पास क्या है, तरुण के पास बॉक्स ऑफ कलर जो उसने होल्ड करके ऐसे पकड़ के रखा है। एस आई टी ए सीता आई एस इज ब्लैंक जी डबल ओ डी गुड जी आई आर ए गर्ल्स सी एस सी एच ई ई सी आई एस इज जी डबल ओ डी गुड ए टी एट पी ए आई एन टी आई एन जी पेंटिंग। सीता इज ब्लैंक गुड गर्ल सी इज गुड एंड पेंटिंग, वो क्या है एक गुड गर्ल है और वो क्या है एक बहुत अच्छी पेंटिंग, सी इज अ गुड एट पेंटिंग, उसकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट टुडे वी लर्न ए एंड ए अ एंड द आर्टिकल, सो आई होप यू अंडरस्टूड अ एंड एंड द आर्टिकल, सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिस एट होम एंड लर्न दिस लेसन। थैंक यू।